पत केरा खनहार पतुरा की प्रहलाद की रे गज की सुनी पुकार। तो आगे कई एक जेमुनी नावकर के महात्मा हा जेमुनी महात्मा विचार करियो क्यों आपनी गांव कमाई तो कदर हुए को नहीं चल को नहीं और बारे क्यों कटे दूसरी जगह जार भजन करा तो क्यों आपनी कदर हो जाए। तो आज वाले नाम का ही कोई वेदव्यास जी महाराज की सत्संग चल रही तो जयमुनि महात्मा वेदव्यास जी महाराज का प्रवचन सुन रहा बा कोई चेलो बन गया बन गया अटिनो भजन करता करता पांच चार साल बीत्या और एक दिन जयमुनि महात्मा वेदव्यास जी महाराज ने देख कर कियो तो देखो महाराज क्यों ताको सोई काम सही है पण क्यों आपने सत्संग माइन के औरता आवे वो गलत काम है क्यों। जद वेदव्यास जी महाराज क्यों रे सत्संग को तो क्यों सबने समान अधिकार हुए क्यों नहीं बाप जी मारे तो नहीं जैसे मैं तो काम देव ने जीते डो आदमी हूँ हाँ और आपकी आज्ञा हो जावे तो मैं तो क्यों बारह घटे दूसरी जगह जा रही कोई भजन कर ले एकांत में क्यों वाह भाई थारे जिंदगी तो दूसरी जगह जा कर ले भजन। तो जयमुनि महात्मा करो काई का एक भयंकर जंगल के मायन आपकी कुटिया बना लिए बनाई अटिनु वेदव्यास जी महाराज विचार करियो काजर केड़ो आमरस पीऊ मित्र परदा और ए अतरा तो पाका बलार क्यों काचा नहीं दे काम आपका चेला जय मुनि की परीक्षा ले बाकी खातर दिन आत बाकी टाइम और वेदव्यास जी महाराज भी जय मुनि की कुटिया के नेड़े आई और आपको रूप हो वेदव्यास जी महाराज को जगो तो अलोप कर लियो और एक 15-16 वर्ष की पुत्री कन्या को रूप धारण करियो है और दिन आठवा की टाइम जाय परिवार लड़की काई देखो जेमुनी बातां लागे न काई बातां बड़े है। अरे दिन छुप गो मैं कसे डिगर जाऊं आधी रात अंधेरा में करे शरीरों का कसे
श्री गुरु महाराज की जय हो। तबा लड़की दिन आतवा की टाइम और जार भी जमुनी बाता लगे, हे बाबा जी दिन चिपगो में कसे डिगर जाऊं, आधी रात अंधेरा में जाऊं। हाँ मन आज शरणागत राख लियो क्यों बाबा जी कुटिया थारी में तेरी। जद जयमुनि महात्मा देकर क्यों क्यों बाग बगीचा सराय कोनी अटे आसन लग्या फकीरों का बाबा जी कुटिया। हाँ साथ में साधु महात्मा जंगल के माइन साजन करे आपके शरीरों का सावधान है शरीरों। इन थोड़ा काम नहीं है कोई वीरों का, तू क्यों कर रही है डूबा डेरी में क्यों माता बड़ी ग्रह। मैंने आज शरणागत राख लियो बाबा जी कुटिया डेरी में। जदवा लड़की जयमुनी महात्मा देखकर क्यों है महाराज मन क्यों ताकन कोई घर बसार कुंदरनो रात रेशियो। हाँ मन तो मारी रात काटनी है और सुबह दिन उगता ही क्यों मारे गेले और महाराज के मारे शंकर माई तो सहेल आया करती आज तो वह उग चुक भूल किन प्रकार कबे अरे संग सहेलिया आया करती कदे एकली आई ना। जद कवे के संग सहेलिया आया करतीर में कदे एकली आई ना एक लिखना आई को नी। हाँ करली खूब तलाशी बनी कमाई अभी तलक तो पाई ना देती मोई दिखाई ना मैं निंगे करली बठेड़ी में मन आज शरणागत राख लियो बाबा जी कुटिया देरी में। हे महाराज के मन ताकन कोई गर्भ सार कोंदरनो और मन तो मारी रात काटनी है इस जंगल के माय मध्यान आधी रात को टाइम है कोई नार वगैरह खार खत्म कर दे तो पाप तो क्यों था नहीं लाग। तो देखो जयमुनि महात्मा नहीं माने तो वह लड़की जयमुनि महात्मा ने पाचो एक सवाल कवे कई बात समय होने से पहले ही पड़ता है दीपक चसना अरे समय होने से पहले ही पड़ता है दीपक चसना समय होने से पहले ही पड़ता है दीपक चसना अरे समय होने से पहले ही पड़ता है दीपक चसना अरे हर मानस की मरती कोनी आशा और कृष्णा
शरणागत राखो बाबा कुटिया तेरी मैं बोली गुरु महाराज की जय हो। जदबा लड़की जोमनी महात्मा ने पास एक सवाल कवे क्यों समय होने से पहले ही पड़ता है दीपक चसना चसना नेरो या पहली हाँ और हर मानस की मरती कोनी आशा और तृष्णा तृष्णा मुझको यहाँ नहीं बसना है मैं चली जाऊंगी सवेरा में गर्भसार कोनी रहूं हाँ मन आज आज शरणागत राख लियो बाबा कुटिया तेरी में तेरी जब देखो जोमनी महात्मा नहीं माने तो वह लड़की देख रही क्यों कोई बात को नहीं महाराज जेते नहीं रखो तो मत क्यों मारे घेर ले पर क्यों मध्यान आधी रात को टाइम है और कोई नार वगैरह खार खत्म कर देगी तो क्यों पाप तो था नहीं लागसी और क्यों जगह के घटके माई दया नहीं वह भी जात ने तो क्यों बाप जी कसाई को बरोबर कसाई बताई किन प्रकार कवे अरे जिसके घट में दया नहीं हो जात कसाई होते हैं अरे जिसके घट में दया नहीं हो जात कसाई होते हैं जिसके घट में दया नहीं हो जात कसाई होते हैं अरे जिसके घट में दया नहीं हो जात कसाई होते हैं अरे भूले घट के जीवन में वो शरण आते हैं हर भूले भटके जीवों को वो शरण आपके आते दिन जान मोय रख शरण में बाबा शरण तैयारी में आज आज शरण आगत राखो बाबा कुटिया तेरी में बोलिए गुरु महाराज की जय हो कि जिसके गठ में दया नहीं वो जात कसाई होते हैं होते हैं और भूले भटके जीवन ले वो शरण आपकी आते हैं दीन गान मोय रख शरणा में बाबा शरण तैयारी में मन आज आज शरणागत राख लो क्यों बाबा कुटिया तेरी में जद जेमुनी महात्मा विचार करियो क्यों बात तो साची है आपनी शरण के मायन आई है और मध्यान आधी रात को टाइम है और कोई नार वगैरह खार खत्म कर दे तो क्यों पाप तो आपा नहीं लाग आपने रात रात में बिगड़े कही है कि आप रात रात भजन के बारे धुना पर कर ले शहर की आप कुटिया के मायने सो जाए जब जयमुनी महात्मा भी लड़की ने कियो कि देखिए कुटिया के माय देखो मारो आसन लगायो है गुदड़ा बे आसन ने बारे धुना पर लियार लगा दे और कुटिया के माय आडो बंद कर सो जाए पण क्यों रात भी इतने बार माय मन निकल जे नहीं क्यों मारी भक्ति का माय भंग पड़ जाएगा हे महाराज क्यों मन बार माय का तो नुनो है क्यों मन तो मारी रात काटनी है सुबह दिन उगता है क्यों मारे गेले है जासियो किन प्रकार कवे देखो अरे आसन पट्टियां बारे लगा दे तू तो धर कुटिया में बड़ के आसन पट्टिया बारे लगा दे तू तो धर कुटिया में बड़ गए मैं कर
भजन धुना पर हो गया सांप कड़क गड़ गए जद कवे आसन पट्टिया बारे लगा दे तू धर कुटिया में बड़के बड़के और मैं कर लेशु भजन धुना पर तू सो जा साकड़े जड़के नहीं आना बाहर निकल के भंग पड़ जाए लो भक्ति मारी में मन आज आज शरणागत रा खुटियो बाबा कुटिया तेरी। अब देखो वा लड़की जो को जंगनी महाराज को आसन हो बिने बारे धुना पर लार लगा देवे और अठीनू देखो वा लड़की भी कुटिया के मायने आडो बंद कर सो जाए मध्यान आधी रात को टाइम है जिन टाइम देखो जेमुनी महात्मा विचार करियो कि ओ अतो भयंकर जंगल और आ मध्यान आधी रात एक मायन क्यों लड़की की जात तो इन थोड़ा आवे को निकल जंगल में खटुआई और आ क्यों कोई माया रूपी लड़की है क्यों अपनी परीक्षा लेवे की किन प्रकार कवे अरे आधी रात ढड़िया कर पाछे बाबा जी का मन फिर गया सीने पहले वाली जिद कर गया अरे खोलिया नहीं वाडर सीने पहले वाली जिद कर गया सात पाड़ विश माइन उतर गार सी माल मुंडेरी में अरे सात पाड़ विश माइन उतर गार सी माल मुंडेरी में आज आज शरणागत राखो बाबा कुटिया तेरी में शरणागत राखो बाबा कुटिया तेरी में बोले गुरु महाराज की रहो। जद कवे आधी रात गया के पाछे बाबा जी का मन फिर गया बाबा जी का मन हो और खोलिया नहीं किवाड़ ऋषि ने पहले वाली जिद कर गया भी लड़की ने मना कर दो कि रात भी इतना आड़ो मत खोल दे क्यों नहीं मारी भक्ति के माये भंग पड़ जाएगा। जब देखो जेमुनी महात्मा करियो काई का गला के माये गाल रसो और छात ने फाड़ भी कुटिया के माये नहीं उतर गया तो कुटिया के माये देखो अंधेरो जेमुनी महात्मा विचार करियो कि चांदनो कर देखनो पड़सी तो देखो जेमुनी महात्मा कुटिया में चांद नो कर देख तो कैसी लीला नजर आवे न कहीं बात बड़ा है।
लाश कर देखन लाग्या देखन लाग्या दे मुनि देखन लाग्या देखवा लाग्या जय मुनि जय मुनि और बैठो बैठो माला फेरे ढाडा वालो व्यास मुनि वेदव्यास जी महाराज भी लड़की को रूप तो वापिस अलोप कर लियो बनगा बाबा जी और सेम वेदव्यास जी महाराज को रूप धारण कर में लेर बैठे बैठे माला फेरे जिन टाइम देखो जय मुनि महात्मा विचार करियो कि आपने गुरु महाराज तो पलक लगाए मिली है हाँ और आपा जे झटूकर बढ़िया झटूकर पाचा निकल जाए काम ठीक रहे आ, बात बनेड़ी रह जाए तो जय मुनि महात्मा भी छात न फाड़ माइन बढ़िया बटूकर पच बार निकलवा की कोशिश करी तो आधा तो माइन लटकार आधा ऊपर हाँ नर जीती रीति रहे कोई हर जीती तत्काल बली चाव तो सूरज ने जखान बेटा दियो और अठिनो वेदव्यास जी महाराज आपका दंड कमल दल ले हाथ मेरी ठुणो रवाना जब देखो जय मुनि कन भगवान पर्दे आवाज लगावे रे भी थारा गुरु महाराज ने हेलो पाड़ तो तन काटे जो हाँ तो क्यों तन ठुण काटे तो सरियो जना जय मुनि महात्मा वेदव्यास जी महाराज ने हेलो पाड़े जी गुरु महाराज के मन नी ठुणो काट जाओ गयो नीचो तो टेको मत बीच में लटको जना वेदव्यास जी महाराज भी कुटिया के माय नार चारुमंड नजर करी जना की मंड दिखियो कोनी जना क्यों की मंड बोले बोल तो श्री जैसा घटी ना क्यों महाराज ऊपर की मंड निंगे करो क्यों भागल वाली जी लटकू जना वेदव्यास जी महाराज क्यों भाई 84 आसन तो मसिद करिया पण क्यों तालो कौन सो आसन है तो अदर ही जुदा है क्यों बाप जी मालो तो ऑटोमेटिक आसन है इन थेकना साध्यो कोनी साध्यो उठा पड़ेगी हाँ इस हिसाब से देखो वेदव्यास जी महाराज आपका चेला जय मुनि की परीक्षा दिल्ली पेपर हल्ड यो